ये गाना नहीं है, ये एक कॉन्वर्सेशन है एक 12 साल की बच्ची और उसके माँ के बीच की। अब ये 12 साल की बच्ची और उसकी माँ ये अपने दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, जयपुर की नहीं है, ये एक दूर छोटे से गांव की है, वो गांव जहाँ आज भी मिट्टी से बर्तन धुलते हैं, रोटियाँ चूल्हे पे सिकती हैं, लोग बैलगाड़ी से सफ़र करते हैं। अब इस 12 साल की बच्ची का नाम बचपन में कुछ भी रखा गया हो, अब इसने अपना नाम राधा रख लिया था। राधा, मालूम है क्यों? पूछो ना क्यों। प्रेम है अतः प्रेम, कृष्ण प्रेम, इतना गहरा प्रेम कि पूरे गांव वालों से कह चुकी है कि कान्हा जी तो तुम्हारे भगवान होंगे, कान्हा जी तो तुम्हारे भगवान होंगे, मोरे तो सैया है सैया, और जिस दिन में मिलेंगे ना व्याह कर लूंगी। अब उनके गांव से दूर एक शहर है माया नगरी, और माया नगरी में उन दिनों बहुत बड़े मंदिर का निर्माण हो रहा था। उस मंदिर की एक बात बहुत फेमस है कि वहां कान्हा जी खुद स्वयं पधारते हैं, अपने भक्तों से मिलते हैं, बातें करते हैं। अब ये बात कैसे ना फैलेगी बताओ? फैल के पूरे गांव में पहुंची, और आप गेस कर सकते हो कि इतने बड़े गांव में सबसे पहले किसके कानों में खबर फैली होगी, राधा के। और जैसी उसने खबर सुनी, अपनी पोटली बांधी और अपनी माँ से कह दिया ये कृष्णा से जाके कह दूंगी तुम हो मोरे सैया, कान्हा को जाके कह दूंगी तुम हो मोरे सैया, माँ कहती रे पगली रे मिलते ना वो ठगती है दुनिया उसके नाम पे करती है काले काम रे उस माया नगरी में, तो धुर्त है सारी नगरी रे बाबा पहन के असली रे जोगा फिरते नकली दिल और काले मन की पोटली उस माया नगरी में। और फिर रख लेंगे मेरा पूरा ध्यान रे वो है मोरे सैया, मैं तन मन और जान रे वो है मोरे सैया, माँ तू सुन ले पगली मैं हो चुकी हूँ ठगली है दुनिया उसने मेरी जिसके नाम सारे काम रे उस माया नगरी में, तो धुर्त है सारी नगरी तो मैं भी पहन के नकली रे जोगा फिरूंगी असली रंग में रंग जाऊंगी शाम की उस माया नगरी में। और फिर कृष्णा से मिलके कह दूंगी तुम हो मोरे सैया, व्याह करूंगी तो से शाम रे वो है मोरे सैया, वारी हूँ मैं तन मन और जान रे वो है मोरे सैया, मोरे सैया, आ थैंक यू।